नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यहाँ जो प्लांट आप देख रहे हो, फ्लावर्स, इतने ढेर सारे फ्लावर्स इसमें आए हुए हैं, ये है आपका क्रोसएंड्रा इनफंडिबुलिफॉर्मिस, जिसको फायर क्रैकर फ्लावर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ऑरेंज फ्लावर भी इसको कहीं कहीं बोला जाता है। इसको आप देख रहे होंगे कि किस तरह से फ्लावरिंग कर रहा है। ये कुछ कुछ झाड़ी नुमा आपको लग रहा होगा, ये नीचे की तरफ इस तरह से बढ़े हुए हैं। और इसको आपको केयर क्या करनी है, इसी पर मैं आज बातें करने जा रही हूँ। दोस्तों, ये फ्लावर जो है, इसको ऑर्गेनिक बहुत पसंद है। साथ ही आप देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा धूप में मैंने इसको यहाँ पर अभी ले आया है वीडियो बनाने के लिए, तो इसके पत्ते थोड़े से मुरझा रहे हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा धूप में इसको नहीं रखनी है, जहाँ छाया हो, छाए वाली धूप में। यहाँ तक कि आप इंडोर भी इसको रख सकते हो, बशर्ते कि इंडोर में आपके यहाँ वहाँ पर सन की लाइट पहुँचती हो, तो ये इसी तरह से वहाँ फ्लावरिंग करेगा। दूसरी चीज़ है इसकी सॉयल की, तो सॉयल आप इसका मॉइस्ट रखा करें, सॉयल में नमी बरकरार रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी रुके नहीं। इसलिए सॉयल जो आप रखेंगे उसमें ऑर्गेनिक मैटर रखेंगे, ताकि आपके पानी फ्लावर में रुके नहीं। दूसरी चीज़ दोस्तों कि इसमें आप गोबर की खाद दे सकते हो, लिक्विड अगर देते हो तो और बेहतर होता है। और अभी गर्मी के समय में इसमें आपको इसी तरह से फ्लावर से लदा हुआ दिखेगा। अब बात कर लेती हूँ मैं इसकी फर्टिलाइज़र पर, कि मैंने क्या की थी, उसी को शेयर करने मैं यहाँ आई हूँ। कि मैं सरसों की खली की खाद दे रही थी, बाकी फ्लावर में दे रही थी, गुलाब वगैरह में दे रही थी, तो थोड़ी सी मैंने इसमें उसको भी डाल दी थी। और जो रिजल्ट आए हैं वो आपके सामने हैं, किस तरह से फ्लावरिंग कर रहा है। इसका मतलब है कि सरसों की जो खली है, इसको मैंने ट्राई करके देखा था कि कहीं ऐसा ना हो कि, हो सकता है कि कभी कभी फर्टिलाइज़र का आपको देखने में भी ये भी आ सकता है कि प्लांट पर उसका बुरा असर हो गया, लेकिन इसमें कोई बुरा असर नहीं आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इस तरह से खिल रहा है। दोस्तों, इसके इसमें वैसे कोई कीट वगैरह की खास परेशानी नहीं होती है, फिर भी आप नीम ऑयल का इस पर बीच बीच में छिड़काव कर दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जब ये फ्लावर नहीं भी देता है तो इसके पत्ते इतने हरे ग्रीन होते हैं कि बहुत खूबसूरत ये पौधा लगता है। आप अपने यहाँ लगा सकते हैं, और कटिंग से भी ये लग जाती है, आसानी से लग जाएगी, तो आप इसको कटिंग से भी लगा ले सकते हो। दोस्तों, इसके बारे में मैं आपसे बात कर लूँ कि ये फ्लावरिंग प्लांट भी है, खूबसूरत तो है ही, लेकिन ढेरों इसके मेडिसिनल यूज हैं। बहुत सारी दवा भी इसके पत्ते फूलों से बनते हैं, लेकिन मेडिसिनल पर अभी मैं नहीं जाऊंगी। मेडिसिनल पर जाती हूं तो आप लोगों को लगता है कि मैं मेडिसिनल प्लांट का ज़्यादा जिक्र कर लेती हूं, तो मैं मेडिसिनल पर अभी नहीं जाऊंगी। दोस्तों, यहां आपको मैं ये दिखाने की कोशिश कर रही हूं कि देखो, इसमें सीड भी तैयार होंगे, सीड भी बनेंगे, लेकिन आप सीड अगर कलेक्ट कर लेते हो तो सीड से भी इसको ग्रो कर सकते हो। वैसे ये आपका ऐसे कटिंग से भी बहुत आसानी से लग जाता है, तो ये आपकी कोई परेशानी का विषय नहीं है कि इसको कहाँ लगाया जाए, कैसे लगाया जाए। तो मुझे लग रहा है कि आप इतने खूबसूरत प्लांट को, फ्लावरिंग प्लांट को ज़रूर लगाना चाहोगे अपने बगीचे में। इसी के साथ मैं ये कहते हुए कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आए, फ्लावर्स पसंद आए, तो आप ज़रूर इसको लाइक कर दिया करो, क्योंकि लाइक मिलने से खुशी बहुत होती है। तो आप लाइक मार दिया करो, और मैं चलती हूँ, कुछ पूछनी रह गई हो, बतानी रह गई हो तो आप पूछ ले सकते हो। इसी के साथ आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।